उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। इस दौरान अल्मोड़ा लोकसभा सीट से एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है। अब नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि अब टिहरी लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी, हरिद्वार से 14, अल्मोड़ा से 7, नैनीताल से 10 और गढ़वाल लोकसभा सीट से 13 प्रत्याशी हैं। आज नामांकन पूर्ण होने के प्रक्रिया में नाम वापसी का दिवस तय था और 3 बजे तक पूरे हमारे जो राज्य में 5 लोकसभा सीट है उसमें केवल एक नाम वापसी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है। वहां पर श्री अर्जुन कुमार देव जी, इन्होंने अपना नाम वापस लिया है, निर्दलीय थे। और इसके पश्चात अभी 5 लोकसभा सीट्स में कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अभी चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें टिहरी में 11, गढ़वाल लोकसभा सीट पर 13, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 7, नैनीताल लोकसभा सीट पर 10 और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 14 प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में हैं। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एग्जिट पोल को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि एग्जिट पोल के निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण करना संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून 2024 को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। इन प्रतिबंधों का पालन सभी मीडिया हाउस को सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ओपिनियन पोल करना और उसके निष्कर्ष का प्रकाशन और प्रसारण करना भी पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। जो एग्जिट पोल होगा उसको उसका कार्य करना और उसका निष्कर्ष को प्रकाशित करना, इन दोनों गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। जो प्रतिबंध करने की अवधि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है, प्रथम चरण का जो मतदान का दिवस होगा उसके मतदान प्रारंभ का समय से लेकर मतलब 7 बजे 19 अप्रैल से यह प्रारंभ हो जाएगी और यह अवधि समाप्त होगी अंतिम चरण का जो मतदान दिवस होगा 1 जून इसके 6:30 बजे।